बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम 2019 पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर है बीकॉम पार्ट वन और पेपर है बीएमएस यानी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स और इसका ओरिजिनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये टॉपिक इंडेक्स नंबर के टॉपिक से ये क्वेश्चन दिया था उन्होंने और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिहाज से। तकरीबन हर साल जो है वो इस टॉपिक में से इंडेक्स नंबर्स के टॉपिक में से क्वेश्चन आता है पेपर में। तो आए जी ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर्स यूजिंग लेस्पियर्स पाशिज फिशर्स एंड मार्शल फार्मूला फॉर 2011 टेकिंग 2009 एज बेस ईयर, यानी कि 2009 को हमने बेस ईयर के तौर पे कंसीडर करना है और बाकी ये चारों फार्मूले लेस्पियर पाशिज फिशर और मार्शल जो हैं वो हमने यहाँ पर अप्लाई करने हैं। ये हमारे पास कमोडिटीज़ दी हुई हैं जैसे वीट राइस और मेज़ है। तो 2009 की वैल्यू प्राइस क्वांटिटी के हिसाब से, तो ये टेबल बिल्कुल क्वेश्चन का बना हुआ है वैसे मैंने यहाँ पे बना दिया। अब आए जी इसका अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने नेक्स्ट पेज पर एक टेबल पहले से बनाया हुआ है उसको अब हम फिल करते हैं इन वैल्यूज़ को देखते हुए। अब सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं कि ये कमोडिटीज़ हैं। ये वाला जो कॉलम है आपके सामने इस तरह से इधर लिख लेते हैं कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं? वीट है सबसे पहले, फिर राइस है और इसके बाद मेज़। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो उन्होंने 2009 को बेस ईयर कहा है, 2009 की जो वैल्यूज़ हैं जैसे ये प्राइस है 3.8, तो ये भी पी नॉट है, ये भी पी नॉट है और ये भी पी नॉट है। ओके, उसके बाद ये जो क्वांटिटी है 2009 की ये क्यू नॉट है, ये भी क्यू नॉट है और ये क्यू नॉट है क्योंकि 2009 की वैल्यूज़ हैं। तो यही वाली वैल्यूज़ मैं इस टेबल में यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऊपर पी नॉट क्यू नॉट। ये टेबल बड़े गौर से और सही सही बनाना है, पी नॉट क्यू नॉट। और उसके बाद ये जो 2011 की वैल्यूज़ हैं ये पी एन, ये भी पी एन और ये भी पी एन, और ये जो है क्वांटिटी है तो क्यू एन, ये क्यू एन और उसके बाद ये क्यू एन। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर जो है वो अप्लाई करता हूँ, लिखता हूँ, तो ये आ जाएगा पी एन और उसके बाद क्यू एन। ये वैल्यूज़ आपके सामने बेटा मैं लिख रहा हूँ। पी नॉट की वैल्यूज़ अभी जो मैंने आपको बताई हैं 3.8, 2.9 और 6.5, इस तरह से 3.8, 2.9, 6.5 ये लिख लिया। अब क्यू नॉट की जो वैल्यू है वो 29, 3 एंड 12। अब है जी पी एन की वैल्यू देखते हैं यहाँ से, तो पी एन की वैल्यू जो है वो 5.8, 4.5 और 7.8। ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 5.8 और इसके बाद 4.5 और 7.8। ये वैल्यू ध्यान से लिखनी है आपने। ओके, इसके बाद क्यू एन की वैल्यू जो है 24 और उसके बाद 2.5 और 14। ओके, यानी कि 24, 2.5 और 14 ये वैल्यूज़ हमने लिख ली इस टेबल को देखते हुए जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ था हमें। अब जो हमें आगे कॉलम कौन कौन से बनाने हैं बेटा, कॉलम जो है ये आप गौर से ज़रा देखें। तो सबसे पहले हमें चाहिए पी नॉट क्यू नॉट, फिर चाहिए हमें पी एन क्यू नॉट, और फिर मैं लिख लेता हूँ पी नॉट क्यू एन, और लास्ट कॉलम जो है वो हमें चाहिए पी एन और क्यू एन। ओके बेटा, अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो
अब देखते जाइएगा, पी नॉट क्यू नॉट के लिए हम 3.8 मल्टीप्लाई बाय 29 करेंगे। 3.8 मल्टीप्लाई बाय 29 तो ये आ जाएगा 110.2 पी नॉट क्यू नॉट। फिर 2.9 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो ये आ जाएगा बेटा 8.7। फिर 6.5 मल्टीप्लाई बाय 12 किया, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये आ जाएगा 78। ओके बेटा, ये पहला जो कॉलम है पी नॉट क्यू नॉट वाला वो हमने मुकम्मल कर लिया। अब है जी पी एन क्यू नॉट। पी एन क्यू नॉट जो है, पी एन को अब आपने क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को जो जो सेकेंड और थर्ड कॉलम है इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पी एन क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करके बेटा लिखते जाते हैं तो 29 मल्टीप्लाई बाय 5.8, 29 मल्टीप्लाई बाय 5.8 किया तो यह आ जाएगा 168.2। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 4.5 किया तो यह आ जाएगा 13.5। और इसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 7.8 किया तो ये आ जाएगा 93.6। ओके 93.6। अब इस सब को जो है वो हम टोटल भी बाद में चले निकाल लेते हैं। अब पी नॉट क्यू एन फाइंड करना आपने, पी नॉट क्यू एन। तो अब आप फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पी एन क्यू नॉट की वैल्यू जो है और ये हमने फाइंड कर ली। पी नॉट क्यू एन के लिए फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करें बेटा। जैसे 3.8 मल्टीप्लाई बाय 24, 3.8 मल्टीप्लाई बाय 24 तो ये आ जाएगा 91.2। इसी तरह 2.9 मल्टीप्लाई बाय 2.4, 2.9 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो ये आ जाएगा बेटा 7.25। फॉलो करें बात। इसके बाद 2.9 मल्टीप्लाई बाय 2.5, फिर 6.5 मल्टीप्लाई बाय 14, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 14 तो ये आ जाएगा 91। ओके अब देखें बेटा, पी एन क्यू एन के लिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पी एन क्यू एन तो ये आ जाएगा 5.8 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आ जाएगा 139.2। ओके बेटा, फिर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 तो ये आ जाएगा बेटा 11.25। फिर 7.8 मल्टीप्लाई बाय 14 तो ये आ जाएगा बेटा 109.2। ओके अब इन सब का जो है सम फाइंड करेंगे। साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल बोर नहीं होना, सही है। अब पी नॉट क्यू नॉट का हमें सम चाहिए बेटा, तो इसमें हम चारों जो हैं वो सम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समीशन पी नॉट क्यू नॉट, समीशन पी एन क्यू नॉट, समीशन पी नॉट क्यू एन और समीशन पी एन और क्यू एन। अब देखिए बेटा, इन सब को ऐड करें। 110.2 प्लस 8.7 प्लस 78, ओके तीनों को ऐड किया बेटा तो ये आ जाएगा 196.9, 196.9। ओके इसके बाद इन तीनों को ऐड करें, 168.2 प्लस 13.5 प्लस 93.6, इन तीनों को बेटा ऐड किया तो ये आ जाएगा 275.3, 275.3। अब पी नॉट क्यू एन में इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये बनेगा 91.2 प्लस 7.25 प्लस 91, इन तीनों को ऐड किया बेटा तो ये आ जाएगा 189.45, 189.45। अब पी एन क्यू एन में इन तीनों को ऐड करें तो यह आ जाएगा 139.2 प्लस 111.25 प्लस 109.2 तो यह आ जाएगा 259.65। ओके बेटा, समझ आ रही है आपको। अब ये टेबल बनाना जो है ना, इस पे 5-7 मिनट लग जाते हैं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम जो है वो शायद ज़्यादा लग गया है, ठीक है। तो अब हम फार्मूले जो है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि लेस पेयर फाइंड करें, यानी कि
कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर्स यूजिंग लेस्पियर्स पाशीज फिशर्स एंड मार्शल फार्मूला। ओके, तो ये क्योंकि कमोडिटीज़ हैं, ये वेट में हैं, वीट राइस मेज जो हैं ये वेट में होते हैं, किलोग्राम में होते हैं, तो मैं इसको लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर भी लिख सकता हूँ, या सिंपल आप लेस्पियर्स वेटेड प्राइस नंबर भी लिख सकते हैं, सिंपल आप लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर भी लिख सकते हैं, समझ रहे बात। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, या वेटेड इंडेक्स नंबर भी लिख लें क्योंकि ये वेटेड है। ठीक है जी, इंडेक्स नंबर बेटा। ओके, तो इसका जो फार्मूला है वो आ जाएगा पी नॉट एन इज इक्वल टू समिशन पी एन क्यू नॉट ओवर समिशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसमें बेटा वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो समिशन पी एन क्यू नॉट की वैल्यू देखें तो क्या है, 275.3। समिशन पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 196.9 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्या आंसर आता है, 275.3 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल दबाओ, फिर इसको डिवाइड कर दो 196.9 के साथ, तो ये आ जाएगा बेटा 139.82। ठीक है बेटा, अब हमने फाइंड करना है पाशीज, तो ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ पाशीज। ठीक है जी, वेटेड इंडेक्स नंबर या प्राइस इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स नंबर। ओके, अब इसका जो फार्मूला है वो है पी नॉट एन समिशन पी एन क्यू एन ओवर समिशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका फार्मूला बेटा, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अब समिशन पी एन क्यू एन की वैल्यू क्या है, 259.65 डिवाइड बाय समिशन पी नॉट क्यू एन की वैल्यू, पी नॉट क्यू एन जो है ये आ जाएगा 189.45 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर जिंदाबाद। तो 259.65 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल दबाएं, फिर डिवाइड करो 189.45 के साथ, और ये आ जाएगा हमारे पास 137.05। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा पाशीज इंडेक्स नंबर या पाशीज वेटेड इंडेक्स नंबर के साथ वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब स्टार तो यहाँ पे बनता है जी, स्टार बनाते जाते हैं जो आंसर आ रहा है। अब चलते हैं फिशर और मार्शल की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जी। अब आपके सामने मैं लिखता हूँ फार्मूला फिशर इंडेक्स नंबर का और फिशर वेटेड इंडेक्स नंबर और मार्शल वेटेड इंडेक्स नंबर। तो देखिएगा बेटा, ये फिशर वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है बेटा, इसका जो फार्मूला है वो आ जाएगा पी नॉट एन, वैसे ये लेस्पियर मल्टीप्लाई बाय पाशीज जो है स्क्वेयर रूट लें और बाहर 100 लिखें तो ये फिशर का फार्मूला आ जाता है, लेकिन आप इसमें फार्मूला इस तरह से वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, समिशन पी नॉट क्यू नॉट ओवर समिशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय समिशन पी एन क्यू एन ओवर समिशन पी नॉट क्यू एन होल स्क्वेयर रूट और मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें बेटा वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो वैल्यूज़ देखें तो समिशन पी एन क्यू नॉट की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है, वो वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं इसमें, एक मिनट देखिएगा। समिशन पी एन क्यू नॉट की वैल्यू क्या है, पी एन क्यू नॉट 275.3, पी नॉट क्यू नॉट 196.9 मल्टीप्लाई समिशन पी एन क्यू एन 259.65
0.65 डिवाइड बाय समीशन पी नॉट क्यू एन, तो ये आ जाएगा 189.45 एंड होल स्क्वेयर रूट मल्टीप्लाई बाय 100। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं तो पी नॉट एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास पहले 275.3 डिवाइड कर लें 196.9, तो ये आया बेटा 1. या आप ऐसे कर लें फ्रैक्शन में ना, 275.3 डिवाइड 196.9 मल्टीप्लाई, फिर फ्रैक्शन लगाई 259.65 डिवाइड 189.45। इस तरह से आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं वैल्यू, ये फ्रैक्शन का बटन है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1.9163 का होल स्क्वेयर रूट मल्टीप्लाई बाय 100। इसका स्क्वेयर रूट लिया बेटा, इसका स्क्वेयर रूट आया 1.384, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1.3843 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसका क्या बनेगा, 138.43 जो है बेटा इसका आंसर है, ओके, फिशर वेटेड इंडेक्स नंबर का। अब जो है हमने लास्ट इसमें फाइंड करना है मार्शल वेटेड इंडेक्स नंबर, तो उसका फार्मूला लगाते हैं, देखिएगा जी। मार्शल वेटेड इंडेक्स नंबर, मार्शल वेटेड इंडेक्स नंबर, तो इसका बेटा फार्मूला जो है ये आता है समीशन पी नॉट एन इज इक्वल टू, अब ऐड करेंगे इनको, समीशन पी एन क्यू नॉट प्लस समीशन पी एन क्यू एन ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट प्लस समीशन पी नॉट क्यू एन और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, इधर ऊपर से ही देख कर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। समीशन पी एन क्यू नॉट की वैल्यू देखें क्या बन रही है, 275.3 प्लस पी एन क्यू एन की वैल्यू 259.65, समीशन पी नॉट क्यू नॉट जो है ये आ जाएगा 196.9 प्लस समीशन पी नॉट क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी 189.45 और मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें 275.3 प्लस 259.65, इसको बेटा ऐड किया ये आ जाएगा 534.95 डिवाइड बाय 196.9 प्लस किया 189.45, तो ये आ जाएगा बेटा 386.35 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो 534.95 डिवाइड 386.35, ओके, ये आ जाएगा 1.3846 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 138.46 पी नॉट एन, ओके। तो इस तरह से हमने इसको लेस्पियर पाशीज फिशर और मार्शल एजवर्थ, मार्शल वेटेड इंडेक्स नंबर या मार्शल एजवर्थ भी वो लिख सकता था जो पूरा इसका नाम है, तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब इस टाइप के जितने भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलते हैं, पास्ट पेपर में क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपने बेटा इसी तरह से कर लेने हैं, तो इसको पढ़िएगा और कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी मेरे से पूछें, ठीक है, और मेहनत करें, अल्लाह आप सबको कामयाब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ बेटा।